नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और वीडियो में। तो ये जो है आपकी डिमांड पर मैं आज अपनी जो दशमेश की स्टोरी पर है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे अभी ये पहली ट्रॉली है जो कि अभी भर रहे हैं और अभी समय हो चुका है लगभग 10:12। एक ट्रॉली आधी थी, कल रात को बंद कर दी थी, तो उसके बाद में अब ये बना रहे हैं तो वो कंप्लीट होके भेजी है। आधा घंटा उसमें लग गया भरने में और अभी ये भरा रही है। तो ये देख सकते हैं आप, बाकी ये जो सोनाली का है अपना कुछ इस तरह से चला रहा है। मुझे लगता नहीं क्योंकि इसके RPM ज़्यादा हैं जो कि 16 या 17 के RPM पे 540 चक्कर बनाता है। तो अगर इसकी जगह पे न्यू हॉलैंड होता तो हो सकता था कि अच्छा परफॉर्मेंस करता। एक अब यहाँ पे इस खेत के उस तरफ जो है एक जॉन्डियर 5405 चल रहा है, वो बहुत गजब की भूसा मशीन चला रहा है भाई। 63 HP है, सीधा 11 HP ज़्यादा है इससे। तो इस साल तो काम चला ले रहे हैं सोनालिका से, देखते हैं घर जाके वहाँ पे। अभी घर से जो है 140 किलोमीटर दूर हैं अपन, तो देखते हैं अब अपन उसमें न्यू हॉलैंड लगा के अगर होता है कुछ तो, कुछ अगर फ़र्क आता है। पुल्ली बदलने की ज़रूरत तो अपन को पड़ेगी नहीं, सीधा RPM सेट करना है। बाकी भूसा भी बारीक है, हो सकता है कि नई मशीन है इस कारण से थोड़ा लोड ज़्यादा है मशीन पे। बाकी आप लांक देख सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह की है लांक यहाँ पे। ये जो है जहाँ पे मशीन चल रही है ये सिबनी मालवा बानापुरा जो है वहाँ से एक गाँव पड़ता है पास में 15-1 किलोमीटर पर राशि, वहाँ पे ये मशीन चल रही है अभी अपनी। और ये कुछ ट्रॉली है जो अपन ने बनवाई थी, ये पूरा जाला सहित इसका जो था अपन को 1,80,000 में ये पूरा कंप्लीट जाला बना है। इसकी भी खूबियाँ हैं, आप इसका पीछे का गेट निकाल दो और ऊपर की ये जो टोपी जो रहती है वो निकाल दो तो ये ट्रॉली को आप नॉर्मल जाले की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपन ने इसमें बनवाया है और लोहा जो है बहुत हैवी लगवाया है इसी कारण से कि अगर अपन इसमें 50-70 क्विंटल माल भरते हैं तो कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए बार बार रोकना पड़ता है। खैर सुबह का समय है, दोपहर के टाइम फिर से देखते हैं अपन क्या कैसी क्या चलती है। अभी बज रहे हैं 10, तो अब बाकी जो है अब देखते हैं आगे क्या कैसी क्या बनाता है। बाकी लांग बहुत घनी है और थोड़ी नरमी भी है, बिल्कुल देख सकते हैं आप ये टूटने वाली नहीं है। तो इस कारण से बाकी मशीन बहुत शानदार है, 1 नंबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये देखिए ये दब जाता है, RPM शायद 16 के RPM पे चला रहे हैं अभी, 16 के RPM पे सेट करके रखा है। भाई अगर इसने कहीं अगर ऐसा लगा मुझे कि ज़्यादा दिक्कत ये कर रहा है तो फिर अगले सीज़न महिंद्रा अर्जुन 555 या फिर न्यू हॉलैंड 3630 में से कोई सा लेके आएंगे। जॉन्डियर पे नहीं जाएंगे अपन क्योंकि जॉन्डियर वाले यहाँ पे चला रहे हैं और मैंने उनका हाल देखा हुआ है, जो डीजल ये पीता है ना जॉन्डियर 5310। ये देखिए कुछ इस तरह की ये है, इस तरह पुल्ली और इसमें ये मीटर लगा हुआ है, ये RPM ड्रॉप करता है 900 के RPM पे। अभी मशीन चल रही है 16 के RPM पे सेट है, ट्रैक्टर के 16 का RPM और मशीन का जो राउंड है वो है 900 का। ये ड्रॉप करती है, आपको इसमें दिखेगा नहीं सही से लेकिन राउंड तो खैर ज़्यादा है, उस हिसाब से अच्छी चलनी चाहिए थी मशीन। हो सकता है सुबह का टाइम है तो लांग थोड़ी गीली है, इस कारण से भी दिक्कत आ रही है।
बाकी महिंद्रा जो है वो ट्रॉली पटकने के बाद में चला आ रहा है वापस। उसमें भी भाई कहीं बम्पर टूट रहा है, कहीं साइलेंसर फट रहा है उसका, तो उसमें भी अपन ने नया साइलेंसर डलवा दिया महिंद्रा का जो 575 में आता है। चलो ठीक है, आपको मैं दोपहर के टाइम पे दिखाता हूँ, हो सकता है दोपहर के टाइम पे बिल्कुल एक जैसी चले मशीन। तो दोस्तों इस समय बज रहे हैं लगभग 2 बजने वाले हैं, 15 मिनट कम हैं दोपहर के टाइम पे, और इस समय मशीन बहुत ही शानदार चल रही है। और ये अपन एक ट्रॉली वापस लेके आ चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर है वो अभी नहीं रुक रहा है बढ़िया, क्योंकि धूप भी अच्छी है और ये ट्रॉली भी लगभग भरने वाली है। बैठे हुए हैं, देखते हैं एक बार ट्रायल लेके कैसी चलती है मशीन। तो दोपहर के 2 बजे तक लगभग मान के चलो 5 ट्रॉली कंप्लीट हो चुकी है, ये कंप्लीट हो जाएगी, 10 मिनट लगेंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा। और जो है ड्राइवर उनको खाना देते हैं, ये देखिए खाना भी रखा है। बाकी ये जो महिंद्रा है इसका ये साइलेंसर चेंज किया है, ये यहाँ से बीच में से फट गया था, तो ये 2800 रुपये का दिया है शोरूम पे। अब दोनों चीज़ें नई हो गई, ये अपना एयर क्लीनर और ये साइलेंसर दोनों नए हो गए हैं। अभी इसका बम्पर टूट गया, बैटरी नई है इसमें, तो टोटल ट्रॉली का अभी मुझे पता नहीं कितनी बना दी लगभग, लेकिन हो गई होंगी 80 ट्रॉली के समथिंग, क्योंकि 10-11-13 दिन हो चुके हैं आए हुए यहाँ पे मशीन। और ये बहुत बड़ा फील्ड है, अभी आज रात भर इसी में चलेगा, रात तक 10-11 बजे तक। वो देखिए 54:05। दोस्तों इस समय बज चुका है शाम के 5 और आप देख सकते हैं लाख, देखिए यहाँ के खेतों में लाख देखें आप। अगर यहाँ पे अपनी भूसा मशीन डाल दी ना इस समय पे, तो रोक रोक के चलाना पड़ेगा, इतना लाख है। मतलब पूरा आप एक तरफ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, और फिर यहाँ से सीधा चले जाएं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गेहूं ही डाल दी पूरी। अब इस तरफ है, बाकी चल इस तरफ रही है। शाम के 5 बज चुके हैं और 8 टैंक कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा क्या है कि मशीन फंस गई थी एक जगह पे, ऐसी थोड़ी सी ऊँचाई थी, तो वहाँ से निकाल रहे थे, तो उसमें आधा एक घंटे जैसे बर्बाद हो गया, तो एक ट्रॉली का नुकसान वो हो गया। और खाना खाने के लिए रुक गए थे, बाकी अभी देखते हैं इस खेत में लाने के लिए ये इसमें चलेगा या नहीं, वो एजेंट बताएगा। बाकी ये वाले खेत में चलाना है, अभी 2-1 ट्रॉली इसमें बन जाएगा, इसमें भी अच्छी लाग है। यहाँ पे भाई फील्ड बहुत लंबे लंबे मिलते हैं, देखो आप यहाँ से सीधा आप जाओगे उस कोने तक, मतलब बड़े लंबे लंबे फील्ड हैं यहाँ पे। और अपने यहाँ पे तो जरा जरा में मेहर पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे धान का काम नहीं होता, लेवल ज़मीन नहीं है। भाई साहब टेम्परेचर तो मतलब इसका रेडिएटर साफ नहीं हो पाया, और कह सकते हैं पूरा जाम भी था, अभी इसको साफ किया मैंने।
इतना कुछ गेहूं निकला है इसमें तीन तीन एक ट्रॉली भरने के बाद में। और अभी शाम के बज चुके हैं, लगभग 6 बज चुके हैं, 5 मिनट कम हो रहे हैं, तो अब थोड़ा स्लो चलेगा और इसके बाद में वीडियो बनाने में भी मज़ा नहीं आएगा, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी ये देखिए, अभी ये वाला टायर देखिएगा इस तरफ का, ये तो ये क्या है कि इनका डिचर लगे हुए हैं गेहूं में, बोर से जो पानी देते हैं ना उसके लिए, बहुत गहरे गहरे डिचर हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, ये देखो पूरे बहुत गहरे, ये तो कम गहरा है, इससे डबल गहरा है एक उधर, तो वो छोड़ दिया, उतना नहीं कर रहे, भूसा नहीं बना रहे उसका। तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।